गुड मॉर्निंग। अभी 8 बज चुके हैं और मेरा घर का ऑलमोस्ट काम खत्म सब हो चुका है। अभी मुझे नाश्ता बनाना है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ सूरत का जो फेमस लोचा है वो। तो कल सुबह कल मॉर्निंग में ही उसकी प्रिपरेशन सब करनी होती है, तो वो सब मैंने कर दिया है। चना की दाल और जो उड़द की दाल होती है, उस दोनों को मैंने भिगोकर कल सुबह रख दिया था। बाद में उसको शाम को पीस लिया था और अभी उसका जो आथा होता है वो रेडी हो चुका है। अभी तो देखते हैं कैसा फूल के बन गया है और अभी बनाएंगे। और ये ब्रेकफास्ट जो सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और शाम को इवनिंग में स्नैक्स में भी ये खा सकते हैं। स्नैक्स में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने जो आज रेसिपी से जो ट्राई किया है वैसे बनाएंगे तो बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। लोचा बनाने के लिए मैंने एक बाउल चने की दाल ली है और 2 चम्मच उड़द की दाल ली है। इसको अभी हमें भिगो कर रख देना है। अभी ये मॉर्निंग में मैं भिगो कर रखूँगी और शाम को इसको पीस लूँगी। अभी भिगो कर ऐसे ही हमें छोड़ देना है। अभी लोचा बनाने के लिए मैंने ये चने की दाल एक बाउल ली है और 2 चम्मच उड़द की दाल ली है। इन दोनों को अभी मैं सुबह सुबह भिगो कर रख दूंगी और शाम को पीस लूंगी और दूसरे दिन सुबह इसको बनाएंगे। तो अभी पूरा भर देते हैं पानी से, अच्छे से भीग जाए और अच्छे से शाम को वॉश कर लेंगे। अभी इसको भिगो कर ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको भिगोए हुए 5-6 घंटे हो चुके हैं और अच्छे से भीग चुकी है। तो अभी हम इसको पीस लेंगे, पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से, बाद में पीस लेंगे। और इसके लिए हमें पीसने के लिए दही लिया है, अदरक लिया है, चिली है ये और बेसन है ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच दही है। ये सब हम पीसने में इसमें डाल देंगे। हमारी ये दाल अच्छे से वॉश हो चुकी है, पीस लेंगे। अभी ये थोड़ा थोड़ा पीसेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चना दाल है वो डाल देते हैं आधी। इसमें ये उड़द की दाल, और अदरक मिर्ची, ये बेसन 2 चम्मच और दही। अभी हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि स्मूथ पेस्ट हो जाए। अच्छे से पेस्ट हो गई है। ये पूरी रात इसको ऐसे ही रहने देना है ताकि अच्छे से फूल जाए, आधा जो अच्छा हो जाए। अभी ये हमारा बेटर अच्छा है, हो गया है। अभी इसको ढक के रख देंगे सुबह तक। ये प्रिपरेशन है वो हमें अगले दिन सुबह से ही करनी होती, जैसे इडली डोसा वगैरह हम सब कुछ बनाते हैं वैसे। तो कल सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया था। पीयूष को ये वाला ब्रेकफास्ट बहुत ही पसंद है, लोचा उसको, तो अभी बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आ गई किचन में और ये हमारा यहाँ पर रेडी है। बहुत ही अच्छे से फूल गया है ये, आप देख सकते हैं। अभी इसको बनाना हम स्टार्ट कर देंगे। लोचा का मसाला बनाना है हमें, तो बनाने के लिए मैंने ये रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, संजर पाउडर और आमचूर पाउडर है और चाट मसाला है, ये सब लिया है। इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। तो हमारा मसाला है ये रेडी हो चुका है। अभी ये होममेड ही बनाना है हमें, इस ये वाला ट्राई करेंगे तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है।
आप देख सकते हैं बहुत ही इसका फूल क्या था रही है। अब हम इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे, आप पीसने के साथ भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ही पानी डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें थोड़ा सा ही कुकिंग सोडा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ये पानी है वो भी उबल गया है तो इसको ऑयल से ग्रीस किया है और अभी रख देंगे। ये लोचा है वो ये सब के साथ खाने वाले हैं। मैंने ये ओनियन है छोटी छोटी कटिंग कर ली है, सेव है और अभी ये मसाला रेडी किया है वो है और ऑयल है। ऑयल हमें ग्राउंड नट वाला ही लेना है, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मजाक मजाक हो रहा है इसके अंदर, देख रहा हूँ क्या न्यूज़पेपर में देश के राजनेताओं से बोल कर रहे हैं। अभी चेक कर लेते हैं हुआ कि नहीं, अभी ये चप्पू से चेक करेंगे, चिपकेगा नहीं तो हो गया होगा। हाँ, अभी नहीं चिपक रहा तो हो गया है। चलो अभी बन के आप बना दीजिए। बनाओ, बनाना क्या होता है इसमें, क्या लो इसमें तुम डालो। अभी इसको ऐसे ही लेना होता है। डालो तेल, डालो। अभी सबसे पहले इसमें ऐसे नहीं गया वहां पर ना, बस नहीं वो नहीं है। और ये मसाला, ये दोनों डाल के हाथ से ही खाना होता है कि थोड़ी मजा आता है। अच्छी होगी नहीं हुई, लेकिन मेरे पास अभी ये वाली थी तो मैंने ये चला दी। चलता है अभी कहाँ बात है कि इसको फटाफट से खाना होता है क्योंकि ये ठंडा हो जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गरम गरम खाना होता है, बहुत ही टेस्टी बना है। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ। लोचा, सुरती लोचा, तो सुरती लोचा बोलते हैं। आप भी तो बोलो कैसा बनाया मैंने। अरे यार, मुझे मजा आता है। राजकोट में एक दो जगह पे मिलता है लेकिन कोई कोई थोड़े दिन बाद बंद कर देता है क्योंकि यहाँ पर कोई इतना नहीं खाता। सूरत में तो ये बहुत ही फेमस है और मैंने वहीं पर खाया था, बाद में मैंने सीखा था क्योंकि तुमको ज्यादा पसंद था। और जो इसको डिश जो पसंद होती है वो मैं डेफिनेटली परफेक्टली सीख ही लेती हूँ। तो ये वाला भी मैंने सीख लिया, इसे मुझे नहीं आया था लेकिन एक बार मैंने सूरत जाके टेस्ट किया था तब मुझे ये बना लिया, बाद में सबसे सीखा। ऑलमोस्ट वैसा ही बनता है अभी, इस तरीके से आप लोग भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सात्विक भोजन, सुबह सुबह का नाश्ता